नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। वक्त हो चला है टॉप 10 खबरों का, तो आइए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं 10 बड़ी खबरों का सफर। सबसे पहले खबर रांची से है, जहां आज लालू यादव से उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की मुलाकात हुई। तेज प्रताप यादव के साथ दो और लोग लालू यादव से मिले। धनंजय यादव और अशोक यादव ने भी लालू यादव से मुलाकात की। दोनों तेज प्रताप के साथ लालू यादव से मिलने गए थे। लालू यादव से मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि लालू यादव की तबीयत खराब है, किडनी में खराबी आ चुका है, इसलिए हालचाल लेने और बिहार चुनाव परिणाम के बाद अपने पिता से आशीर्वाद लेने आया हूं। अरुणाचल में जेडीयू के विधायकों को बीजेपी में शामिल कराने पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के पार्टी का वजूद अब समाप्त हो रहा है। बीजेपी अपने सहयोगियों को धीरे धीरे खा जाती है और पता भी नहीं चलने देती। बिहार में बहुत जल्द हम लोग सरकार बनाएंगे। डबल इंजन से ज़्यादा बहुमत हम लोगों के पास है। सरकार किसान के मुद्दों पर घिर चुकी है। खबर वैशाली से है, जहां वैशाली के महुआ से राजद विधायक डॉक्टर मुकेश रौशन ने भाजपा पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जदयू के सीटों पर लोजपा को खड़ा कराकर नीतीश कुमार के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, और जब अरुणाचल में जदयू के 6 विधायकों को अपने पाले में लेकर भाजपा ने नीतीश कुमार के सीने में छुरा भोंकने का काम किया है। नीतीश जी को अगर खुद पर भरोसा है तो सामाजिक न्याय के खातिर राजद से गठबंधन कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान लें। चुनाव के पहले जितने भी जदयू के कैंडिडेट हुए वहाँ पे लोजपा के द्वारा कैंडिडेट खड़ा कराकर भाजपा के लोगों ने उनके पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया था। और कल जो हम लोगों ने देखा कि अरुणाचल में जिस तरह से नीतीश कुमार के सीना पे अब वार करने का काम किया गया है, खंजर भोंकने का काम किया गया भाजपा के द्वारा, अब तो नीतीश कुमार जी को अगर जरा सा भी अगर लगता है कि उनके ऊपर अपने ऊपर अगर उनको विश्वास है तो नीतीश कुमार जी वहां से छोड़ के और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए, तेजस्वी यादव जी पर विश्वास जताए। वहीं भोजपुर के तरारी थाना क्षेत्र के सेंधवा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ। रोंगटे खड़े करने वाले इस हादसे को सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। खेत में आग लगने के दौरान 4 वर्षीय बच्ची जिंदा जल गई। आग में अपनी बच्ची को जलता देख बचाने गया पिता और चाचा भी बुरी तरह से झुलस गए। दोनों को इलाज के लिए स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मृतका 4 वर्ष की बच्ची का नाम अमृता कुमारी है, जबकि उनके जख्मी पिता का नाम कृष्णा कुमार, वहीं अगलगी में झुलसे चाचा का नाम संतोष कुमार बताया जाता है। फिलहाल इस घटना में शामिल घायलों का इलाज आरा के सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोहिया पथ चक्र परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान लोहिया पथ चक्र परियोजना के अंतर्गत सर्कुलर रोड जंक्शन, पुनाई चक जंक्शन, हड़ताली मोड़ जंक्शन के पास मल्टी जंक्शन ट्रैफिक व्यवस्था के लिए संरचना युक्त निर्माण कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जानकारी दी गई कि इसके अंतर्गत ट्रैफिक सिग्नल फ्री, यातायात की व्यवस्था की जाएगी। सगुना मोड़ से होते हुए डाक बंगला चौराहे तक रोड पर कहीं भी रेड लाइट पॉइंट पर रुकने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। और ये पूरा का पूरा ये इलाका ऐसा है कि जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा का आना जाना बढ़ता चला जाएगा, तो हम लोगों को ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कोई भी तरह से कहीं जाना चाहता है उसका एक अलग रास्ता रहे। तो उसी के हिसाब से जो इनका कंसेप्ट था देख करके हम लोगों को बहुत खुशी हुई, और सबसे पहले देश में बिहार में ही इसको एडॉप्ट किया गया, और उसी के हिसाब से हम लोगों ने तय किया, इसका नामकरण किया लोहिया पथ चक्र। और समझ लीजिए कि इसमें 49 रास्ते इसके अलग अलग बने, यानी कोई तरफ से कहीं जाना है, ये 3 तरफ यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से आगे जाइएगा तो करीब करीब जो हाईकोर्ट का बिल्डिंग है उसके पास से जो जाता है।
खबर नालंदा से है, जहां क्रिसमस के दिन बिहार शरीफ के ऐतिहासिक हिरण्य पर्वत पर स्कूली बच्चों ने प्रभु ईसा मसीह से सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की प्रार्थना की। इस दौरान बच्चों के द्वारा हाथ में सुशांत सिंह राजपूत, जिया खान और दिशा सालियान का बैनर पोस्टर लेकर सुशांत और जिया खान के लिए इंसाफ मांगा। इस दौरान स्कूली बच्चों ने कहा कि जब चुनावी प्रक्रिया सुनी हुई थी उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के केस को काफी तुल दिया गया था, लेकिन चुनाव के बाद सुशांत सिंह राजपूत के केस को पूरी तरह से दबा दिया गया है। इसलिए अब बिहार शरीफ के स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए एकत्र होकर खड़े हो चुके हैं। हमें किसी भी तरह सुशांत सिंह राजपूत के केस में न्याय चाहिए। मौका है और हम सभी लोगों के साथ यही चाह रहे हैं कि जिस तरह से चुनावी माहौल के दरमियान सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के केस के बारे में ये टीवी चैनल्स वाले बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे कि इस केस में इतना प्रोग्रेस हुआ है, और सीबीआई के बारे में बताया जा रहा था कि वो इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी है और जल्द ही जो भी कातिल हैं, अपराधी हैं, उन्हें जल्द से जल्द जनता के सामने लाया जाएगा। बट जब जैसे ही चुनावी माहौल ख़त्म हुआ और पता नहीं कैसा ऐसा क्या हुआ कि लग रहा है कि अब इसके बारे में कुछ चल ही नहीं रहा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि 302 के तहत जल्द से जल्द जितने भी कातिल हैं उनका पर्दाफाश किया जाए और उन्हें सीधे जेल के अंदर डाले। कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, लेकिन सीबीआई अब तक कोई अपडेट नहीं दे रही है। मैं चाहती हूँ कि जनता उनसे एक मांग कर रही है सरकार से कि सीबीआई जल्दी हमें अपडेट दे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि उनकी जांच एक मर्डर के तौर पर नहीं देखी जा रही है, लोग उसे सुसाइड ही समझ रहे हैं। खबर बक्सर की है। पिछले रविवार को बक्सर में परीक्षार्थियों द्वारा जान जोखिम में डालकर मालगाड़ी ट्रेन की सवारी करने का वीडियो वायरल होने के बाद एक तरफ जहां रेल प्रशासन ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद ने एनडीए के डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि यह सरकार की लापरवाही का नतीजा है कि परीक्षार्थी जान जोखिम में डालकर मालगाड़ी से सफर करने को मजबूर हैं। अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? दरअसल पिछले रविवार को बनारक्षी का परीक्षा देने भारी संख्या में छात्र बक्सर पहुंचे थे। वापसी के दौरान ट्रेन नहीं मिलने के कारण मालगाड़ी पर ही परीक्षार्थियों ने कब्जा जमा लिया और जान जोखिम में डालकर ट्रेन की सवारी की। हालांकि किसी ने इसका वीडियो बना लिया और फिर सोशल मीडिया में डाल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद एक तरफ जहां रेल प्रशासन भी काफी किरकिरी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। जिस तरह से बिहार के छात्र एग्जाम देने के लिए बक्सर से मालगाड़ी पर चढ़कर जाने के लिए मजबूर हुए, ये डबल इंजन की सरकार की संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। ये सरकार डबल इंजन की नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है। इस सरकार को छात्रों के परीक्षा स्थल पर पहुंचने का व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन सरकार ने संवेदनहीनता दिखाई और जिस तरह से नौजवान छात्र परीक्षार्थी अपने जान जोखिम में डालकर मालगाड़ी से सफर करने के लिए मजबूर हुए, सरकार की पोल खुल गई कि सरकार किस तरह का व्यवहार छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ कर रही है। सरकार को थोड़ी सी भी शर्म है तो माफी मांगना चाहिए नौजवानों से, छात्रों से। ये छात्रों का भविष्य बनाने के बदले ये उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई भी घटना दुर्घटना होती तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होता? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इस तरह का जो वीडियो आया है सामने, सरकार में बैठे लोग माफी मांगे। अगली खबर रोहतास से है, जहां रोहतास में अब अवैध बालू डंपिंग के बाद अवैध कोयला पोड़ा के कारोबार करने वाले कोयला माफियाओं पर प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। तत्काल डीएम पंकज दीक्षित के निर्देश पर एसडीएम विवेक चंद्र पटेल के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान कोयला लदे 11 ट्रकों को जब्त किया गया। प्रशासन की इस अचानक छापेमारी से कारोबारियों में हड़कंप का माहौल कायम हो गया, जबकि कई धंधेबाज मौके से जैसे तैसे जान बचाकर भागने में सफल रहे। एसडीएम ने कहा कि कोयला डिपो के आसपास बड़े पैमाने पर अवैध ढंग से कोयला को जलाकर पोड़ा बनाया जाता है, इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इस अवैध धंधे में करोड़ों का वारा न्यारा भी हो रहा है। किसी भी कीमत पर अवैध पोड़ा का धंधा चलने नहीं दिया जाएगा।
जब्त किए गए ट्रक मालिकों के विरुद्ध भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई होगी। एसडीएम के मुताबिक जमीन मालिक पर भी केस दर्ज होगा, साथ ही साथ इस धंधे में शामिल सभी माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माननीय जिला पदाधिकारी त्रि पंचायत में विभिन्न योजनाओं के समीक्षा के लिए जा रहे थे, तो उनके द्वारा ये देखा गया कि बहुत सारी अवैध यहाँ कोयला का यहाँ पे जला रहे थे, ताकि और इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, तो उसी पे उनके आदेश के अनुसार से यहाँ पे छापेमारी की गई, जिसमें 11 ट्रक यहाँ पे पकड़े गए हैं, जिसपे कुछ जले हुए कोयले और कुछ कच्चे कोयले सारे लोड है। हम लोग इन सबको जब्त कर रहे हैं, और ये चूंकि अवैध चल रहा है, इसका कोई लाइसेंस नहीं है, आगे भी इस टाइप की कार्रवाई होती रहेगी, ताकि इस ढंग का कोई भी अवैध मामला अब नहीं सामने को दिखे। अगली खबर छपरा से है, जहां उत्तरी दनियावा टोला में शराब का कारोबार कई वर्षों से चल रहा है। दर्जनों बार छापेमारी हुई और दो दर्जन से अधिक शराबी जेल भी जा चुके हैं, पर शराब का कारोबार अभी भी धड़ल्ले से जारी है। लिहाजा स्थानीय टाउन थाना की पुलिस ने इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मोहल्ले की महिलाएं इकट्ठा होकर पुलिस टीम से ही भिड़ गई। पुलिस और वहां के स्थानीय लोगों के बीच घंटों बवाल चला। इस बवाल में एक महिला कांस्टेबल की बुरी तरह से जख्मी होने की खबर है। कांस्टेबल के सिर पर ईंट का चोट लगने से वह जख्मी बताई जाती है। वहीं करीब आधा दर्जन पुलिस के जवान और आम लोगों के भी जख्मी होने की सूचना है। पुलिस ने वहां पर शराब बना रहे करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के आजाद बस्ती स्थित एक घर में सिलेंडर में लगी आग के कारण अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। सिलेंडर में आग लगने की वजह से किचन का पूरा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों की सतर्कता से आग पर किसी तरह काबू पाया गया। लोगों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि जानकारी के मुताबिक आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू करना काफी कठिन था। फिर भी लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया और आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लगी और देखते ही देखते पूरे किचन को अपने चपेट में ले लिया। अरवल जिले में पहाड़पुर मोड़ के समीप एनएच 139 पर उत्पाद विभाग की टीम ने संतरा लदे ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ी गई विदेशी शराब की गुप्त सूचना मिलने के बाद टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम द्वारा चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और कलेर थाने में शराब की गिनती की जा रही है। उत्पाद निरीक्षक गोपी किशन के नेतृत्व में हुई शराब की खेप के बरामदगी के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप का माहौल कायम हो गया है। जानकारी के मुताबिक नए साल के लिए शराब की खेप लाई जा रही थी, लेकिन इसकी सूचना उत्पाद विभाग की टीम को पहले ही मिल गई थी। टॉप 10 की खबरों में आज इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर से हाजिर होंगे कुछ नया ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SDF न्यूज। नमस्कार।